अंतरिक्ष अंडरस्कोर उपमन्यु अंडरस्कोर डू यू हैव अ जीएफ भाई? What is up guys, welcome to another video. भाई आज 8th of July and today is my birthday. तो मैंने अपने Instagram और Snapchat पे बोला था कि I'll be doing a Q&A on my YouTube channel. तो आज वो करते हैं. एंड भाई मौसम देखो पीछे, भाई यहाँ पर दो दिन से बारिश हो रही है और भाई मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रहा. भाई जस्ट हैव अ लुक एट दोस क्लाउड्स इन द माउंटेन्स, वहाँ पर भाई काले बादल हैं, मतलब अभी भी पहाड़ में बारिश हो रही है भाई, उधर देख. तो यार अभी छत पे ही हूँ. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस. तो यार मैं छत पे बैठा हूँ और खाट पे बैठा हूँ, तो मैंने पहले सोचा कि मैं स्नैपचैट वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड बीच बीच में वो भी लेते रहेंगे इंस्टाग्राम वाले. तो यार पहला क्वेश्चन है खुशी, ठीक है, खुशी नाम है. एंड तेरा क्वेश्चन क्या है? तो जब आप छोटे थे व्हाट वाज योर एम्बिशन देन एंड व्हाट इज योर एम्बिशन नाउ एंड आल्सो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच यार. देख एम्बिशन भाई बचपन में क्या था यार, बचपन में तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ बनना ही होता है. एंड मुझे साइंटिस्ट भी बनना था, मुझे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड ये बनना था, एक्टर बनना था, बहुत सारे एम्बिशन तो बचपन में बहुत सारे थे. बट अब यार ये है कि आई वॉन्ट यू नो टू मेक माई वॉइस यू नो गो थ्रू डिस्टेंस एंड लोग मेरी वॉइस को समझे. अगर इफ़ आई एम रेजिंग वॉइस फॉर सम पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ अ सोशल कॉज एंड विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड, तो यार उस बारे में आई वॉन्ट टू बिकम द वॉइस, ठीक है. एंड मैं ये चाहता हूँ कि जो यूथ है, जो मेरी वॉइस है, वी आर अ यूथ, कि हम गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाए. तो यार ये मेरा मेन एम्बिशन है एंड आई वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑफकोर्स. यार सेकेंड है पलक, तेरा क्वेश्चन है. थैंक यू. यार तो सेम क्वेश्चन ही हो गया. गोल इन लाइफ यही है यार, आई वॉन्ट टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर एंड उसके अलावा आई वॉन्ट टू बिकम अ व्लॉगर. मैं जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा घूमना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू यू नो फिल्म इट एंड आई वॉन्ट माई लाइफ टू रिवॉल्व अराउंड माई कैमरा. तो यार ये मेरा थोड़ा सा हुआ है गोल. भाई एक बंदे का क्वेश्चन है हु आर यू. भाई रॉक अद्वैत डॉट ऑफिशियल पूछता है हु आर यू. भाई मैं लड़का हूँ, मेरा नाम प्रियम अप्रेती है एंड आई मेक सोशल वीडियोज़ ऑन सोशल कॉजेज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम अ ब्लॉगर ऑन यूट्यूब. उसके अलावा आई एम अ फूड ब्लॉगर एंड आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ ड्रामर, आई एम अ सिंगर. स्पोर्ट्स में आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर. उसके अलावा यार क्या करता हूँ मैं, आई एम अ टीचर, आई टीच स्टूडेंट्स ड्रम्स. ठीक है भाई तो ये है हु आर यू. काजल सोलंकी अंडरस्कोर फ्रॉम वेयर यू गॉट द आइडियाज फॉर मेकिंग सो इन्फ्लुएंशियल वीडियोज़. यार यही था यार कि पता है लोग ना मसालेदार चीज़ों पे वॉइस उठाते हैं, जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जिनको जिनका बिल्कुल भी यू नो तवज्जो जिनको नहीं देनी चाहिए. रादर देन यू नो वी शुड यू नो गिव मोर लाइट टू थिंग्स विच हैव टू यू नो बी हाईलाइटेड, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, आपके आर्मी के इश्यूज़ हो गए. मतलब यार हमने इतना यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक को बढ़ा दिया था एंड हम और जो मेन ज़्यादा चीज़ें उन पर फोकस करें हम उस पर फोकस नहीं करते थे. तो यार ये मेरा मेन था. दो मैंने ही वीडियोज़ बनाई यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक पर, बट जो बड़े बड़े लोग हैं यार, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसको देख के लोग यू नो दे चेंज देयर माइंडसेट, उनके हिसाब से वो सोचते हैं, वो भी इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे थे, इसलिए मैंने सोचा यार आई शुड मेक. आई अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर उत्कर्ष पूछता अपडेट्स ऑन फूड वीडियोज़. भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं दिल्ली में भी नहीं हूँ, तो अभी फूड वीडियोज़ का तो कुछ नहीं बोल सकते. एंड आई एम अ फूड ब्लॉगर, तो यार इसलिए भाई पूछ रहा है. जल्दी से लॉकडाउन खोले फिर बनाते थोड़े बट यार बाहर का कम करना, खाना मत खाना बिल्कुल भी हो पाए तो. मानसी अंडरस्कोर पटवाल अंडरस्कोर 13 इतनी पॉजिटिव थिंकिंग कैसी है सर आपकी? सर मत बोला यार पहले तो यार. इतनी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे है यार? अगर सभी सोचने लग जाए बुरा तो यार सभी आई थिंक कि थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे. एंड अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हो तो यार आई थिंक आपको उसको फैलानी चाहिए रादर देन यू नो स्प्रेडिंग जंक एंड ट्रैश. इसलिए यार मेरा थोड़ा मैं खुद भी खुश रहता हूँ और जितना मैं अपनी बातों से दूसरों को खुश कर पाऊँ और उनको चाम उनको बढ़ा पाऊँ यार मैं ये कोशिश करता हूँ. तो यार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें एट द एंड तुम्हें खड़े होना है, तुम्हें अकेले रहना है, तुम्हें खुद काम करना है. इसलिए बी पॉजिटिव, बी हम्बल एंड यार दूसरे का बुरा मत सोचना कभी. कनक अंडरस्कोर पंडित 001 योर वीडियोज़ इज़ ऑसम ब्रो, कीप इट अप. थैंक यू सो मच ब्रदर.
underscore almost underscore done underscore four underscore do you like PS4? भाई PS4 क्या बोलूँ दोस्तों, घर पे खेलता हूँ. I just play CS:GO and GTA 5 खेलता हूँ. PUBG खेलना छोड़ दिया, बस गेमिंग CS:GO ही खेलते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं. underscore कृष्णा underscore do you like short या tall girls, कैसी पर्सनैलिटी? भाई हमें यार देख, भगवान ने सबको बनाया, हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए. एंड बी ग्रेटफुल विद वॉट यू हैव एंड वॉट यू गेट एंड वॉट यू डिजर्व, दैट्स इट. सीजू अंडरस्कोर आयुषी, यू आर सो क्यूट एंड अडोरेबल, थैंक यू सो मच यार आयुषी. अंतरिक्ष अंडरस्कोर उपमन्यु अंडरस्कोर डू यू हैव अ GF? भाई ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, घर वाले देखते हैं, होगी भी नहीं होगी भाई क्या पता, भाई भगवान ने जो चाहा वो होगा. एंड भाई कमेंट बताओ तुम्हें क्या लगता है, होगी नहीं होगी? योर जोडियाक साइन, माइन इज कैंसर. कुकू इज अ पाइसिस गर्ल, ओ माई गॉड नाइस नेम. जतिन शर्मा म्यूजिक पूछता है, हाय ब्रदर फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड होम टाउन मेरा अल्मोड़ा उत्तराखंड है. ojs.jaiswal.official पूछता है, भैया मैं आपकी सारी मोटिवेशन स्पीक्स देखता हूँ एंड आपकी स्टोरी पे अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ, आई एम योर बिग फैन. थैंक यू सो मच भाई. एंड यार अगर तुझे वीडियो अच्छी लगे तभी लगाइयो, फोर्स कोई नहीं करेगा तुझे. एंड इफ़ यू फाइंड अ पॉइंट इन माई वीडियोज देन ओनली आर मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज. चलो भाई स्नैप के क्वेश्चन देखते हैं थोड़े. मान्या भाई हैप्पी बर्थडे. आई वॉन्टेड टू आस्क यू दैट व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू एक्चुअली कम ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड यू नो टू स्टैंड ऑन स्पीक ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक दैट्स गोइंग ऑन, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग टेक अ लॉट ऑफ करेज एंड इट्स नॉट यू नो अ कप ऑफ टी ऑफ मतलब एवरी वन, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. सो that what are you doing is very great. I'm always there to support you and bye-bye. Thank you so much यार पहले तो. एंड यार मोटिवेट मुझे क्या कर रहा है यार, यही कर रहा कि यार हम बेकार चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, हम जो यू नो जिन पे कम हमें लाइट डालनी चाहिए उन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात करते हैं हम, वी टॉक अबाउट ट्रैश, और जो एक्चुअली चीज़ें बात करने वाली लोग उस पे कम बात करते हैं एंड लोग उस पर एक्चुअली बात करने से डरते हैं क्योंकि यू नो उनको लगता है कि उनका पॉइंट गलत ना हो जाए. इसलिए यार दिस मोटिवेटेड मी यार, अगर कुछ गलत भी होता है आई टेक योर कमेंट्स, आई सी योर ऑल ऑफ योर DMs और मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ. और अगर मैं कई जगह लैग बिहाइंड करता हूँ तो आप मुझे रिप्लाई में बताते हो कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप इस पर ध्यान रखो, तो यार मैं उस पर भी ध्यान रखता हूँ. बट यार मैंने ये सोचा यार किसी ना किसी दिन तो यार बोलना पड़ेगा ना ये इन टॉपिक्स पे, यू नो वी हैव टू यू नो शाइन सम लाइट ऑन इट, इसलिए यार मैंने ये सब करना शुरू करा. श्रुति रावत का नेक्स्ट क्वेश्चन. One more question for you today. Okay? One like, question, yeah. Just a very happy birthday wishes to you, and may God bless you more happy and healthy days to you and your family. The work you do is very excellent today. Thank I you. Have a very huge crush on you and on your content. Thank you. I wish you a very happy birthday again. Thank you. Thank you so much, Shruti. Yaar, really means a lot. And uske alawa, yaar, aur bhi question the. महिका अंडरस्कोर गोयल वन पूछती है, हाउ डू यू से सो पॉजिटिव इन दिस ट्रबलिंग टाइम? यार देख ट्रबलिंग टाइम है एंड मैं भाई इसको पॉजिटिवली इसलिए देता हूँ क्योंकि भाई ऐसा टाइम है, अभी हम सब घर पे हैं एंड वी कैन यू नो गिव आउट टाइम टू आर फैमिलीज, टू आर यू नो पेरेंट्स, टू आर ग्रैंड पेरेंट्स, जिस पे हम यूजुअली कम बात करते हैं, जिनसे हम कम यूजुअली वो करते हैं, लड़ सक नहीं हो रहा. उसके अलावा यार हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज ऐसा हो गई कि हम डिनर टेबल पे मिलने आते हैं और तब भी हमारे हाथ में फ़ोन्स और ये सब होते हैं, हम सोशल मीडिया में इतने इनग्रॉस हो गए हैं हम बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को टाइम नहीं देते. तो यार मैं बस ये बोलूँगा कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू इंडल्ज विद योर पेरेंट्स, उनसे फ्यूचर के बारे में बात करो अपने, और अपने मतलब उनसे एक्चुअली बात करो जिन टॉपिक्स के बारे में तुम बात नहीं करते, उनसे शेयर करो अपनी फीलिंग्स. और यार हमें ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखो, उनसे साथ बात करो, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे राय लो अपनी लाइफ के बारे में कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ द टाइम, ठीक है यार आगे फिर कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, कौन किसको टाइम देता है, बट अभी हमारे पास टाइम है एंड
यूज इट इन अ पॉजिटिव वे रादर देन यू नो कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि भाई मैं तो फंस गया लॉकडाउन में, ये हो गया वो हो गया. भाई ऐसे मत सोचो. अगला सन अंडरस्कोर शाइन अंडरस्कोर K27, डू यू हैव अ GF? भाई घर वाले देखते मत देखा झगड़ रहे सब. एंड हाउ यू आर सो वेल कंसर्न्ड अबाउट यूथ? यार देख अभी जो सारे लॉज और ये सब बन रहे हैं ये हमें ही आगे फेस करने हैं. एंड अगर किसी लॉ कोई लॉ गलत है या फिर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है सो वी शुड रेज आर वॉइसेज इन इट. ठीक है. एंड यूथ की वॉइस बहुत मैटर करती है क्योंकि आजकल यूथ ही है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में है एंड वही सबसे ज़्यादा चीज़ें शेयर करता है जिसके जिससे लोगों को ग्रोथ मिलती है. ठीक है. तो अगर कोई अच्छी चीज़ शेयर कर रहा है और वो अगर कोई अच्छी चीज़ कोई डाल रहा है और वो शेयर हो रही है तो आई थिंक लोग उसको ज़्यादा देखेंगे. और अगर उसमें वैलिड पॉइंट्स हैं तो लोग उस पर ना ज़्यादा थिंक भी करेंगे उसके बारे में अगर उसको सही से एक्सप्लेन कर रखा है. एंड यूथ के लिए ही आगे लॉज बन रहे हैं सारे, हमें ही आगे जाके फिर उनको फेस करना है. इसलिए वाई नॉट यू नो रेज योर वॉइस एट दिस एज जिससे हम आगे हमारे लिए भी ठीक रहे. अंडरस्कोर विद्या अंडरस्कोर पूछती है योर फेवरेट मूवी टिल नाउ एंड व्हाई. माय फेवरेट मूवी हैज़ टू बी MS धोनी. एंड व्हाई? यार उसमें स्ट्रगल दिखाई है कि पहले आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए आप रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप कुछ भी कमाते हो जो भी कमाते हो, बट यू आर नॉट यू नो फुली सैटिस्फाइड इन इट और आपको खुद पता नहीं लगता आप ये क्यों कर रहे हो. पैसे तो आते रहेंगे यार पैसे, बट पैसे ऐसे लाओ ना कि आपको भी खुशी हो कि पैसे भी आ रहे हो और मेरा काम भी बन रहा है एंड आई एम फुली 100% सैटिस्फाइड. फिर उसकी स्ट्रगल जो वो धोनी में स्ट्रगल्स करता है ये वो एंड आगे जाके रिकग्नाइज होता है, फेल भी होता है बहुत, फेलियर इज अ मस्ट यार. तो उसको देख के यार आई गॉट क्वाइट मोटिवेटेड. एंड इट्स अंडरस्कोर महिमा श्रेष्ठ 8P उसका है, डू यू लाइक गेजिंग एट द स्टार्स? इफ यस व्हाट वुड बी द रीज़न? यार मैं अगर चांद सितारों को देख रहा हूँ भाई मैं यही सोचूंगा कि भाई मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ एंड मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा. एंड यू नो भाई आई थिंक कि मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं अपने आप को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ और मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ इस एज में और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने आप को भी बदल पाऊँ, जो लोग हैं उनको भी बदल पाऊँ और यू नो ब्रिंग इन अ चेंज फॉर एवरीवन्स गुड. तो यार ये मैं सोचता हूँ ये एंड आई रियली वर्क ऑन इट. हायर HIRAETH0323 का क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड इंस्टिल वन पीस ऑफ एडवाइस इन अ न्यू बॉर्न बेबीज माइंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? यार मैं ये बोलूँगा कि ट्रस्ट नो वन एंड एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो किसी से. सीधी सी बात, ये दो चीज़ें, ट्रस्ट योर पेरेंट्स दैट्स इट. और उसके अलावा देर आर मैनी फ्रेंड्स लोग जिन पर ट्रस्ट करते हैं. यार देखो सारे दोस्त साफ नहीं निकलते या फिर बुरे नहीं होते, सच में लोग एक्चुअली अच्छे भी होते हैं, बट यार फिर भी प्रायोरिटाइज सबसे पहले पेरेंट्स को करो, उन पर ट्रस्ट करो, उनके अलावा किसी पर ट्रस्ट मत करो. और एक्सपेक्टेशंस किसी पर मत रखो. तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे एंड देन यू नो इट वोंट टर्न आउट द वे यू थॉट ऑफ तो यार तुम्हें बहुत बुरा लगेगा. तो एक्सपेक्टेशन रखनी छोड़ दो, बिल्कुल ही रखनी छोड़ दो. तो भाई ये दीज आर द टू थिंग्स विच यू नो आई विल पुट इट इन द माइंड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. अंडरस्कोर एडी अंडरस्कोर अदृत अंडरस्कोर V12 पूछता है, नाइस नेम V12 इंजन, व्हाट इज़ योर ड्रीम कार एंड जॉब? माय ड्रीम कार हैज़ टू बी लंबोर्गिनी हुराकन पोर्फो मानते. एंड माय ड्रीम जॉब वुड बी टू यू नो आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू यू नो बिकम अ मोटिवेशन स्पीकर, आई वांट टू यू नो पुट माय वॉइस इन द राइट यूज़. आर योर डॉगी लवर अंडरस्कोर बॉबी नाइस नेम पूछता है, यस यार आई एम अ डॉग लवर और मुझे बहुत पसंद है डॉग्स. पेडिग्री अभी भी लाया हूँ मैं हल्द्वानी गाड़ी में पड़ा है. हू इज़ योर रोल मॉडल? यार रोल मॉडल ऐसा सच कोई नहीं है मेरा एंड आई रियली वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो यार मैं अलग ही रहता हूँ एंड अपना ये रोल मॉडल खुद ही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स एट वन टाइम, इसलिए यार कभी कुछ नहीं बोल सकते. नेवरदलेस ख़त्म करते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एंड यार आई एम रियली ग्लैड यार आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे मेरे से. आई थिंक ये वाला Q&A अच्छा गया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज टू. और दिल्ली जाता हूँ फिर और वीडियोज़ बनानी, मैं आजकल बना नहीं पा रहा सोशल कॉजेज़ पे वीडियो क्योंकि मेरा सारा स्क्रिप्ट मेरे घर पे है एंड आई एम नॉट कैरिंग इट अराउंड विद मी टू उत्तराखंड. चलो यार चलते हैं, इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस. लाइक कर लेना यार, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ कर लेना, इट हेल्प्स मी इन द एल्गोरिथम. एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, कॉमेंट करना व्हाटएवर यू थिंक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यू विल गेट नोटिफाइड.